तो फिर से लेके आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज़। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और कल की टेक न्यूज़ नहीं देखी तो बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज़ थी, तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लेना। तो चलो फिर आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहली टेक न्यूज़ की मैं बात करूँ तो अभी ब्रॉडबैंड मिशन प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको जो भी 2022 तक वो लोग सभी विलेजों में ब्रॉडबैंड लगाने वाले प्लान्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2022 में आएगा वहाँ तक। और उनने कुछ फंड्स भी कलेक्ट किए, तो उसके अंदाजे से वो लोग बता, तो 7 लाख रुपए वो लोग मोटे वायर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले, और 30 किलोमीटर गुणवत्ती से वायरों के जरिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए जाने वाले। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्ट कितना करने वाले हुए, तो मैं आपको बता दूँ यूनिवर्सल सर्विस के जरिए वो फंड्स 70 करोड़ रुपये वो लोग इन्वेस्ट करने वाले। तो देखते हैं अभी आने वाले 2022 तक तो कितने मैं आपको ब्रॉडबैंड देखने को मिलते हैं। अगली टेक्निक्स की बात करूँ तो शामिंग तब सारी, पहले आपको पता है वो जो शामिंग का फोन डेवलपर है, तो ऐसी न्यूज़ सामने आ रही थी मोटर रिच जैसा स्मार्टफोन आपको देखने को मिला, लेकिन ये अभी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही मोटर रिच से अलग स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो शामिंग का फोन डेवलपर स्मार्टफोन आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप जैसे टैबलेट होता है वैसे ही स्मार्टफोन सीधा है, और इधर साइड में दो कैमरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे टैबलेट बढ़ रहा है उधर दो कैमरे दिखाई दे रहे हैं। तो उसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो वो पीछे कैमरा हो जाएगा, स्मार्टफोन जैसा भी हो जाएगा वर्टिकल। तो ऐसी अभी न्यूज़ सामने आ रही, तो देखते हैं जब तक शामिंग अभी 2020 में लॉन्च करने वाला है, ऐसे भी सामने आ रहा है ये फरवरी में लॉन्च होगा। तो देखते हैं अभी ये रूमर्स ही है, तो जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते। की मैं बात करूँ तो व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है, तो आपको पता ही होगा जो व्हाट्सएप है उसमें अभी बग्स एंड बहुत कुछ सॉफ्टवेयर इशू बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसी ही एक और इशू देखने को मिला है। तो मैं आपको बता दूँ जो साइबर सिक्योरिटी है उन्होंने ये रिसर्च करके बताया, तो मैं आपको बता दूँ इसमें एक बग पाया जा रहा है। पहले आपको पता ही होगा 1.5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है व्हाट्सएप पे, तो आपको पता ही होगा ये बात, लेकिन अभी इसमें बग पाया गया है। जो व्हाट्सएप चैट करते हो आप तो डिजिटल मान रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे जा रहे हो और ग्रुप चैटिंग कर रहे हो वहाँ पे हिस्ट्री नहीं बता रहा जो भी आप चैटिंग कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे बग्स आ रहे हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ने कन्फर्म करके बताया व्हाट्सएप को, तो देखते हैं अभी व्हाट्सएप कब तक ये सही करके देता है, और जब से ये नया अपडेट आया जब से ये आपको देखने को मिल रहा है। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा जो स्मार्टफोन है आपके पास, तो आपको साइडों में बटन देखने को मिलता था, लेकिन अभी आपको 2020 में जो भी 5G स्मार्टफोन आएंगे 2020 या 2021 तक, ये आपको बटन्स नहीं देखने को मिलेंगे साइड में, क्योंकि अल्ट्रासोनिक एक वेव साउंड होता है उसके ज़रिए आपका स्मार्टफोन ऑन कर सकते हो, वॉल्यूम अप कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, ऐसी चिप अनाउंसमेंट हुई है। तो अभी देखते हैं जो आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, तो शायद एप्पल भी ये अभी लेके आ सकता है 2020 में जो स्मार्टफोन आएंगे, तो आपको बटन की ज़रूरत नहीं, तो सोच सकते हो क्या फीचर होने वाला है स्मार्टफोन पे, तो देखते हैं अभी तक। तो अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो आपको पता ही होगा आज के इस ईयर में 2019 में तो आपको सेल बहुत ही देखने को मिली थी, लेकिन अभी ऐसी ही सेल एक और स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे। तो मैं आपको बता दूँ ईयर एंड सेल है ये, तो ये 21 दिसंबर से चालू होने वाली है और 23 दिसंबर तक ये सेल लेने वाली है। तो आपको कुछ स्मार्टफोनों पे एंड बहुत कुछ आपको डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप 21 तारीख तक रुक जाइए, क्योंकि आपको जो स्मार्टफोन खरीदना है कैमरा से वो अच्छी डील पे आपको देखने को मिल सकता है, तो फ्लिपकार्ट पे ये डील स्टार्ट होने वाली है। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो हवाई तरफ से आ रही, तो हवाई जो मेट एक्स एस है आखिरकार ये 2020 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी न्यूज़ सामने है इसमें स्क्रीन आपको अच्छे से देखने को मिलेगी और किनर का 990 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये 5G बेस होने वाला है। तो देखेंगे जब हवाई एक्स मेट एक्स एस जब लॉन्च होगा चाइना में, तो आपको पता ही है इंडिया में तो देखने को नहीं मिलेगा, तो देखते हैं अभी हवाई का ये स्मार्टफोन। तो अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा जो सैमसंग गैलेक्सी A21 के कुछ रूमर्स होके सामने आए, तो इसका केस एक सामने आया तो उसके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ इसके पीछे आपको 3 कैमरे देखने को मिलेंगे, और वहीं पीछे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा और टाइप सी पोर्ट अभी देखने को मिलेगा, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही। तो देखेंगे जब अभी ये रूमर्स निकल गया है केस के हिसाब से लगाया जा रहा है, और ये 2020 में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो देखते हैं क्या प्राइस पर लॉन्च होता है ये स्मार्टफोन। टेक्निक्स की बात करूँ तो MI की तरफ सारी, शाइमिंग की तरफ सारी, तो मैं आपको बता दूँ जो MI नंबर 1 फैन सेल स्टार्ट कर दी है शाइमिंग ने, तो ये फैंसों के लिए स्टार्ट की है, और मैं आपको बता दूँ ये MI.com फ्लिपकार्ट एंड अमेजन के साथ है, तो आपको इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड बहुत कुछ ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्मार्टफोन बहुत कम में ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस सेल में खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, और वहीं अगर मैं बात कर लूँ इस सेल कब से स्टार्ट होगी, तो ये 19 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 25 दिसंबर तक ये सेल रहने वाली, तो बहुत कुछ आपको डिस्काउंट्स एंड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप खरीदने की सोच रहे हो एक अच्छा स्मार्टफोन, तो MI फैन सेल्स में आप खरीद सकते हो।
थ्री टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो शाइमिंग की तरफ से रही, तो आपको पता ही होगा जो शाइमिंग का रेडमी 8 है, ये हाल ही में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ऐसे रूमर्स सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं रेडमी 9 आपको 2020 में देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज़ होगा वो मीडियाटेक का एलुमिन G70 वाला प्रोसेसर लॉन्च होगा, सीरीज़ का जी सीरीज़ का प्रोसेसर इसमें यूज़ होने वाला है। और वहीं ऐसी भी न्यूज़ सामने आई है, इसमें 6.6 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और ये 4 GB रैम एंड 64 GB इंटेल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो ऐसे रूमर्स एंड न्यूज़ सामने आए, तो देखते हैं ये रेडमी 9 कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। क्या एक्साइटेड हो रेडमी 9 के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। इसकी मैं बात करूँ तो सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, तो ये सैमसंग गैलेक्सी A01 स्मार्टफोन है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसके स्पेसिफिकेशन आपको 5.7 इंच की इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं रैम्स की बात करूँ तो न्यूज़ से ऐसे पता चला है ये 2 GB रैम एंड 6 GB रैम एंड 8 GB रैम में आपको देखने को मिल सकता है, और जो 2 GB रैम है उसमें 16 GB या 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल सकती है शायद से, और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी जो 6 GB 8 GB रैम वाले रहेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो आप 512 GB एक्सपांड भी कर सकते हो इसमें। और वहीं बात करूँ तो प्रोसेसर का भी कुछ पता नहीं चला क्या प्रोसेसर पर आने वाला, और कैमरे का तो पता चल गया 13 का आपको प्राइमरी कैमरा 3 मिलेगा पीछे का, और 2 का डेप्थ सेंसर मिले देखने को मिलेगा, तो डुअल कैमरे दिए पीछे सर। और फ्रंट की मैं बात करूँ तो सेल्फी के लिए आपको 5 MP का कैमरा दिया, और बैटरी की मैं बात करूँ तो 3000 mAh की बैटरी दी गई है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कब तक स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो कंपनी ने ऐसे कुछ भी बताया नहीं है और प्राइस भी कुछ नहीं बताई, तो मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं आप 10,000 के अंदर ही लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो देखते हैं स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A01 में क्या एक्सेप्टेड हुआ स्मार्टफोन पे, तो बहुत लो प्रोसेसर देखने को मिलेगा आपको स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से, तो और आपको एंड्रॉयड 10 का आउट ऑफ द बॉक्स देखने को ही मिलेगा ये स्मार्टफोन। मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले रिमोट कंट्रोल किसने बनाया था, तो मैं आपको बता रॉबर्ट हेडलर ने सबसे पहले ये रिमोट कंट्रोल बनाया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो कब बनाया था, ये 1956 में बनाया था। क्या आपको ये फैक्ट पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के टेक्निक्स यहाँ पे खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और वीडियो पसंद है तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, डिसलाइक भी करोगे तो हमें मोटिवेट मिलती रहेगी नई वीडियो बनाने के लिए। और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो देखने को मेरे आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे देख सकते हो, और मेरे को जाकर टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे भी हम ज्ञान की बातें करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो चाहते मोबाइल को जाके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एंड कीप स्माइलिंग।